हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। तो आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है कि क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के। वैसे तो देर आर न्यूमरस बेनिफिट्स, बट इसमें मैं मैक्सिमम बेनिफिट्स को कवर करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको पता होना चाहिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का होता है वो ये होता है कि जब हम लोग 30 to 45 मिनट्स ऑफ एवरी डे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर सेरेटोनिन नाम का हैप्पी हॉर्मोन प्रोड्यूस होता है। अब इस हार्मोन के प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि जो भी हमारे डिप्रेसिव थॉट्स हैं, जो हमारी फीलिंग ऑफ लोनेस है, या फिर हमारे जो एक जनरल मूड, जो हमारे स्विंग्स होते हैं उसको कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है, हैप्पी थॉट्स को इम्प्रूव करता है। सेकेंडली, ये जो आपका डे टू डे स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब जब आपका स्ट्रेस रिड्यूस होने लगता है तो उसकी वजह से जो आपकी बॉडी में स्वेलिंग आई थी, यानी कि इन्फ्लेमेशन आई थी, वो रिड्यूस होने लगती है और उसकी वजह से आपका बेली फैट रिड्यूस होने लगता है, फेस पे जो ब्लोटिंग है वो रिड्यूस होने लगती है। स्ट्रेस के रिड्यूस होने की वजह से आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से एंटी एजिंग इफेक्ट भी आप देख सकते हैं। स्ट्रेस के रिड्यूस हो जाने की वजह से आपके हॉर्मोन्स भी बैलेंस में रहते हैं, जिसकी वजह से PCOD, थायराइड और जो दूसरी हॉर्मोन इम्बैलेंस की वजह से हमें इश्यूज आते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। जब हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो जो एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं थ्रू फूड उसको एक्सपेंड करने का हमको मौका मिलता है, और जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग बढ़ा पाते हैं डे टू डे बेसिस पे। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी आप यूज़ कर लेते हैं उतना ही आपकी बॉडी को कम स्टोर करना पड़ता है एज फैट। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका वेट लॉस भी आप ऑब्जर्व करते हैं, इंच लॉस भी ऑब्जर्व करते हैं और फैट लॉस भी ऑब्जर्व करते हैं। जब आपकी बॉडी से फैट रिड्यूस होने लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका इनएक्टिव टिश्यू है फैट का, वो रिड्यूस होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल्स बेटर रहने लगते हैं, यानी कि आपको ज़्यादा अलर्ट और एक्टिव फील होता है। आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर पाते हैं जो आप पहले कर पा रहे थे, उससे वर्सेज आपकी कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है। अब जैसे मैंने बताया कि इसकी वजह से स्ट्रेस रिड्यूस होता है, हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी स्लीप भी इंप्रूव हो जाती है, स्लीप क्वालिटी भी एनहेंस हो जाती है। स्लीप क्वालिटी एनहेंस होने की वजह से आपकी बॉडी की रिकवरी और उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसका आउटपुट है, वो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। और एक्सरसाइज रेगुलर करने की वजह से एक और मेजर बेनिफिट जो आपको मिलता है वो ये कि आपकी मसल्स और आपकी बोन्स जो हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है, जिसकी वजह से आप नॉर्मल डे टू डे जो काम है उनको और अच्छे से कर पाते हैं और लेस टायर्ड होते हैं, लेस फेटीग फील करते हैं। अगला जो बेनिफिट होता है वो ये कि आपकी बॉडी में ब्लड जो है वो और बेटर तरीके से सर्कुलेट होता है। अब बेटर ब्लड सर्कुलेशन के बहुत मेजर बेनिफिट्स जो हैं वो क्या हैं, हर ऑर्गन जो है उस तक बेटर अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचता है, और ब्लड इज इक्वल टू नरिशमेंट, यानी जो भी आपने खाना खाया था अल्टीमेटली सब कुछ ब्रेक डाउन होके आपके ब्लड में मिक्स होता है, और ये जो ब्लड है ये न्यूट्रिशन पहुंचाता है सारे ऑर्गन्स को। तो जब आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है ऑटोमेटिकली सारे ऑर्गन्स तक ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुंचता है, जिसकी वजह से उनका आउटपुट इंप्रूव होता है और वेरियस डिजीजेस से आप बचे रहते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, यूरिक एसिड हो गया। हर चीज़ का जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन है, हॉर्मोन से लेके आपके जो एंजाइम्स हैं, आपका डाइजेशन है, हर चीज़ जो है वो बेटर इंप्रूव हो जाता है। इसके साथ ही साथ जब ब्लड बेटर सर्कुलेट होता है तो पैरों में जैसे कई लोगों के खून जमा होने की वजह से स्वेलिंग हो जाती है या कई लोगों को फेस पे ब्लोटिंग हो जाती है, ये सब ब्लोटिंग के इश्यूज भी आपको नहीं आते। और इसके साथ एक और बेनिफिट क्या होता है कि क्योंकि आपके जो ब्रेन है उसमें से फैट टिश्यू रिड्यूस हुआ ड्यू टू रेगुलर एक्टिविटी एंड आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हुआ, उससे आपकी मेमोरी भी इन्हेंस होती है, आपकी रिटेंशन पावर भी इन्हेंस होती है और आपका ब्रेन का जो आउटपुट है वो भी इम्प्रूव होता है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ये सब आप ले सकते हैं सिर्फ 30 to 45 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे करके। और अगर आप उसे वीक में 4 times a week भी कर रहे हैं, 30 to 45 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी, तो भी ये सारे बेनिफिट्स आप अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जितने भी आपके मेजर इशू हैं, हॉर्मोन इम्बैलेंस, इनडाइजेशन, पुअर ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी एक्स, हेड एक्स, जितने भी मेजर इश्यूज जो हम रोज कॉमन जो हम फेस करते हैं, वो सिर्फ 30 to 45 मिनट्स ऑफ एवरी डे फिजिकल एक्टिविटी करके हम अवॉइड कर सकते हैं। फाइनल एक वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि जैसे कि कोई भी चीज़ हम जब एक्सेस करते हैं तो उसके भी नुकसान हो सकते हैं, ऐसे ही फिजिकल एक्टिविटी को भी अगर हम एक्सेस में करेंगे तो उसके भी बॉडी पे नुकसान हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप अगर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको ओवरडू ना करें।
1 आवर आपकी अपर लिमिट है, 1 आवर से ज्यादा एक हफ्ते एक दिन के अंदर ना करें, और 5 टाइम्स अ वीक से ज्यादा एक हफ्ते के अंदर ना करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए ताकि और फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए वो लोग इंस्पायर हों और अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकें, अपने ब्रेन को एक्टिव रख सकें, ब्रेन फॉगिंग और मेंटल डिस्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स को बीट कर सकें। एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ। आपके भी कोई सजेशन हो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो करूँ तो उसे कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिए, आने वाले वीडियोज़ में मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।